सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 6 नए प्रश्न नए विचार का पहला प्रकरण बुद्ध की कहानी व उपनिषद इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 6 शुरू। नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। कि अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो ये सारनाथ क्या है इसे भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, यानी जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ईसा से 500 वर्ष पहले। तो यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, तो गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था और इस बदलाव को हम अध्याय 9 में देखेंगे। तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि वास्तव में ये जीवन हमें क्यों मिला है और हमें इसका कैसे उपयोग करना चाहिए। तो बुद्ध है वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहते थे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोधगया, जो कि बिहार में है, उस स्थान पर एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। यानी वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, इसलिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, लालसा वो होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए क्योंकि ये जीवन क्या है, दुख से और कष्टों से भरा हुआ है और हमारी जो लालसाएं हैं वो इन्हीं के कारण होती है। ये दुख और ये कष्ट हमें हमारी इन्हीं इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक या अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। मानो कि हमारे पास एक साइकिल है, जब हमारे पास साइकिल आ जाती है फिर हम सोचते हैं कि मोटरसाइकिल आ जाए, फिर मोटरसाइकिल आती है तो हम कार की सोचने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे पास चीज़ है हमने उसे प्राप्त कर लिया है, उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती और इसीलिए हमें जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर हम संतुष्ट हो जाएं कि ठीक है मेरे पास साइकिल है मैं इसी में खुश हूँ, तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होगा, है ना। जब व्यक्ति की कोई इच्छा होती है और वो पूरी नहीं होती तब हमें कष्ट का अनुभव होता है। इसीलिए जो ये इच्छाएं हैं ये लालसाएं हैं हमें कभी भी इनको अधिक बढ़ाना नहीं चाहिए। तो बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा, तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी हम अपनी आत्मा पर संयम यानी कंट्रोल करके और इन लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जब हमारी ऐसी इच्छा ही नहीं होगी तो हमें कोई दुख और जीवन में कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ
इसके बाद कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा हमें दी। कि हमें क्या है कि जो अपना खुद को तो व्यक्ति की तो हमें आदर करना ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें मनुष्य जानवरों का जो जीवन है उनका भी आदर करना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावी करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकेंगे। तो देखो कि यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो देखो, वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि हमने पढ़ा था अध्याय 4 में कि हमारे यहाँ 4 वेद माने गए हैं, और जिनमें से सबसे प्रथम वेद या सबसे पहला लिखे जाने वाला वेद था ऋग्वेद, और वो आज से 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, और महात्मा बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष पूर्व, यानी इनके जन्म से भी हजारों साल पहले वेदों की रचना की गई थी, और उस वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, और महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं, अपने संदेश हैं, वो प्राकृत भाषा में यानी लोगों की आम भाषा में संदेश दिए ताकि लोग उनको आसानी से समझ सके। वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता था, है ना, तो इसीलिए उन्होंने अपने संदेश महात्मा बुद्ध ने प्राकृत भाषा में दिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो देखो कि आओ देखें कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। लेकिन उससे पहले ये देखो, यहाँ पर आपको एक ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये सारनाथ के स्तूप का है, क्योंकि अनघा की माता ने अध्यापिका को कहा था कि आप इनको बुद्ध की कहानी बताओगे तो उसके साथ साथ में इनको सारनाथ का स्तूप भी दिखाने ले जाना। तो देखो ये है सारनाथ का स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। और इन स्तूपों के बारे में हम अध्याय 11 में आगे बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो कि यहाँ आपको एक किस्सा गौतमी की कहानी बताई जा रही है, कि ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था, यानी एक महिला थी, उसका नाम था किस्सा गौतमी, तो उसका पुत्र वो मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगरों की सड़क पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास लेकर चला गया, यानी कि एक आदमी उसे किन के पास लेके गया, महात्मा बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई यह सुनकर, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की कोई कभी भी मृत्यु ना हुई हो। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो अब वो सरसों के बीज कहाँ से लाए। तो इस कहानी से देखो जो बुद्ध है वो दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ये कहना चाहते थे कि ये शरीर है हमारा नश्वर है, और जो जीवन है उसे एक दिन हमें समाप्त होना ही होना होता है, यानी कि इसीलिए हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये शरीर है वो नश्वर है, और ये मृत्यु है वो अटल है, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी ही होगी। तो महात्मा बुद्ध ने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि तुम अपने पुत्र की मृत्यु पर इतना दुखी मत हो। इसके बाद आगे देखो कि उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे
उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में भी जानने को उत्सुक थे। इनमें से एक मिनट, ये देखो आप, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, तो और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, आत्मा। यानी शरीर नश्वर है लेकिन व्यक्ति की जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी हमेशा जीवित रहती है, तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे ये मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। क्योंकि देखो उत्तर वैदिक ग्रंथ से मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि वेदों को हमने दो भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया और ऋग्वेद के बाद जो लिखे गए तीन ग्रंथ उन्हें हमने उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा था। तो इसीलिए जो ये ऐसे विचार हैं सार्वभौम आत्मा का वो उन उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। अब ये है कि उपनिषद किसे कहते हैं, तो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार विमर्श करते थे, वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे अध्यापक और विद्यार्थी पास में बैठकर, और उन्हीं की बातचीत है उनका संकलन, यानी उनको इन ग्रंथों में लिखा गया, उपनिषदों में लिखा गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय दर्शन की छह पद्धतियाँ, जिन्हें हम षड् दर्शन भी कहते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छह शाखाओं ने किया कि सत्य क्या है। इसी की खोज करने के लिए हमारे भारत में षड् दर्शन यानी छह पद्धतियाँ हैं। और ये छह पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम देखिए, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत को हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दर्शन की इन छह पद्धतियों की स्थापना किसने की, तो हम क्रम से देखेंगे। जैसे पहले है वैशेषिक, तो इसकी स्थापना की ऋषि कणद ने। दूसरा है न्याय, और इनकी स्थापना किसने की, महर्षि गौतम ने। तीसरा है सांख्य, और इसके संस्थापक थे कपिल मुनि, कपिल जिसे सांख्य मुनि कपिल भी हम कहते हैं। योग ये पतंजलि द्वारा, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा है वो महर्षि व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन छह शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, फिर भी सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता ही है, यानी कि इनके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ समानताएँ या तालमेल है। इसके बाद आगे देखिए आप कि इन चर्चाओं में जो उपनिषद में विचार विमर्श होते थे, वार्तालाप होती थी, उन चर्चाओं में भाग लेने वाले ज़्यादातर कौन थे, पुरुष, ब्राह्मण या राजा, और कभी कभी गार्गी जैसी महिलाएं जो कि विचारक थी उनका उल्लेख भी मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। तो इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी माँ के नाम पर पड़ा, और उनकी माँ कौन थी, एक दासी थी। सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई,
कि आखिर सत्य है क्या। तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया और शंकराचार्य के बारे में हम आगे वाले अध्याय में कक्षा 7 में हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए कि यहाँ आपको फिर एक कहानी भी दिखाई गई है, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है, यानी जो ये कहानी है वो एक उपनिषद से ली गई है और उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य। ये देखो छांदोग्य। तो शौनक व अभिप्रतारिन नामक दो ऋषि ये क्या करते थे, ये दोनों ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। तब ऋषि शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन आप किसकी उपासना करते हैं। तब दूसरे ऋषि जो कि जिनका नाम था अभिप्रतारिन, उन्होंने उत्तर दिया, हम सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषि ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, उन ऋषियों ने कहा। तब भिखारी ने क्या कहा, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। और भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने क्या किया, उन्हें भोजन दे दिया। तो इस तरह से देखो कि यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह से मनाया। तो पहले ऋषियों ने मना कर दिया था, बाद में ऋषि ने उन्हें भोजन दिया, तो भिखारी ने उन्हें किस तरह मनाया। तो भिखारी ने उन्हें सार्वभौम आत्मा का वास्तविक ज्ञान उन्हें समझाकर, कैसे, उन्होंने कहा कि सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में विद्यमान है और अगर ये विश्व में विद्यमान है तो मैं भी इसी विश्व का एक भाग हूँ, क्योंकि मैं इसी संसार में रहता हूँ और मेरे अंदर भी यही आत्मा है। तो आप मुझे भोजन ना देखकर, यानी कि आप उस आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। तो इस तरह से वो जो भिखारी की बात थी वो उन्हें सच लगी, उसकी बातों में सच्चाई लगी और इसीलिए उन्होंने उसे भोजन दे दिया। इसके बाद है व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी थे जो खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान थे पाणिनि। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। जैसे संस्कृत भाषा में हैं भी आपके सूत्र हैं, महेश्वर सूत्र, उन्हीं की रचना। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इनका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के जो नियम हैं, लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में उन्होंने लिखे। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की गई है। तो इस तरह से हमने बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।